फोन नंबर मारने का शौक हो रखा। 94-11-5505 और अब इधर दसवाना 2100 और अब इसके बाद जितने भी फोन आपके पास आएंगे उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो रास्ता कहाँ जा रहा है? ऊपर मंदिर को जा रहा जाए, वो मंदिर को जाए, माता जी का मंदिर होगा ना, नंदा देवी मंदिर। देखा उनको गुलगुल को देख के तन्नू की याद आती है। देखो गाड़ी कैसे डेकोरेट कर रखी है इन्होंने। तो ये देखो हम पहुंच चुके हैं ग्राम रेडू। ग्राम रेडू व ग्राम प्रधान श्री हरेंद्र सिंह आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। करते हैं, करते हैं, करते हम करते हैं, पढ़ लेते हैं। ओम प्रकाश जी है, ये ओम प्रकाश जी का गांव है, ये राज टेंट हाउस के मालिक। वीडियो में गप नहीं मारते। और ये देखो यहाँ कितने सुंदर पहाड़ है, कम कम झाड़ियों वाले। इसमें झाड़ी नहीं है यार, होती कि नहीं इसमें जगह। ओम प्रकाश जी की गायें चढ़ चढ़ के सारा पहाड़ खा गई इन्हें। जैसे चोर घुसते हैं इस पर से दिखा रहा, जैसे वो स्कूटी चोरी करने चोर घुसते हैं पर। ये देखो चलो चलो आओ इस पर। तो ये है रास्ता। सौरभ को डर लग गई पहले उतरने में, है भैया नीचे जाना है ना उधर, देखा नीचे जाना है बस। ये देखो ये है वो जिनका चैनल बन खुलने वाला है कुछ दिनों में। ये देखो सर तुम ऐसे क्यों चल रहे, हाथों को थोड़ा ढीला क्यों छोड़ रखा। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे गांव, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं भाई, नीचे 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 पहाड़ की चोटी पे। वाह ये देखो मंदिर, जय हो भगवान। ओ हेलमेट कहाँ लगा रखा ऊपर सेफ्टी के लिए। मैंने सौरभ को बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना लो, आगे भाग गया सौरभ। कैसा लग रहा गुलगुल तुझे पहली बार ऐसी जगह जाते हुए? बहुत बढ़िया। गुलगुल आज तक पहाड़ में मसूरी के अलावा कहीं नहीं गई। क्या हो गया इतना गुस्सा क्यों आ गया, तुमने कुल्हाड़ी उठा ली? गुरुजी का भाई क्यों लगड़ी जाओ? भारी 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 मैंने पूछा क्या है, बोलता है एक्स कुल्हाड़ी। हाँ तो उसमें नहीं यूज करते वो, क्या खेलते हो तुम लोगों को खचखच खचखच करने वाला गेम? माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट में ये देखो सूरजमुखी के पेड़, देख सूरजमुखी का फूल ना शाम को जब सूरज की रोशनी वैसे होती है नीचे झुक जाता है, देख देख। और जब सन की वो सन निकलता है तो ऐसे हो जाता है मुंह इनका ऊपर। देखो कैसे हो गया, देख रहे हो कितना बड़ा फ्लावर है। ओए डॉगी बाय। गुलगुल तो फर्स्ट टाइम आ रही है ना ऐसे गांव देखने। स्पर्श गंदी बात, आपका भी तो है ना डॉगी, ऐसे बोलते हैं। देखो माल्टा, ये मौसमी है ना, मौसमी है, मौसमी का पेड़ है वो पीछे, देखा क्या थे? देखो पतला सा रास्ता, देखो इधर दीवार इधर दीवार। हमारे गांव में भी तो ऐसी है। नमस्कार, हाँ नमस्कार 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 नमस्ते। अरे आप यहाँ कैसे आए? अच्छा नमस्कार, बोल दे घर दे, अच्छा लग रहा ना। ना ना बैठो भैया, हम तो घूम रहे हैं, आप बैठो। राजू भैया आपने टेंट की बुकिंग करने के लिए आए हैं, वो भोलेनाथ जी को चढ़ने वाला धतूरा। ये देखो कहाँ जाके बैठे हैं, ये अपने दादी के घर। ये देखो ये गुलगुल कैसा लग रहा है तेरे गांव में? ये लकड़ी, ये लकड़ी इस लकड़ी लड़की के सर पे रख दो। ये देखो गुलगुल और स्पर्श को, ये फिर वहाँ चले गए और फोटो खिंचवा रहे ओखली। ये देखो हमारी दादी के वहाँ भी है। ये तो चलाते होंगे रोज रोज। हाँ यही बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया मजे आते हैं। यहाँ बैठो, यहाँ खाओ और लीप दो रोज रोज लीप दो खाना खाने के बाद, बस मिट्टी से। आपने आँख में कुछ कराया है? ये ऑपरेशन कराया है। अच्छा बंद है। अच्छा ये देखो कितना अच्छा चूल्हा, मीठा करेला। एक मजाक की बात हो गई यहाँ पे, जो अम्मा की आंख में ऑपरेशन हुआ ना, उन्होंने सौरभ को बोला कि आपके तीन बच्चे हैं, मुझे भी सौरभ की बेटी बता। ये है पानी की टंकी गाँव में जहाँ पानी सप्लाई होता है। ये देखो
ये धारे का पानी आ रहा होगा, देखो धारे का पानी कितना अच्छा है, पहाड़ों में नेचुरल पानी से ऐसे स्टोर करके रखा हुआ। वो कुल्हाड़ी लेके जो अंकल जा रहे थे ना, देखो इधर लकड़ियाँ फोड़ रहे थे वो। अब क्या होगा? गुलगुल की बारी, जा गुलगुल, अब गुलगुल की टर्न है। वाह, अरे वाह, इसने तो सीधा छक्का मार दिया, तीनों के तीनों फिसड्डी, कितने दिनों के बाद खेला हमने। प्रकाश जी हैं और इनका गांव रेडू, और देखो कितना सुंदर गांव है, यहाँ से देखो सूरज कितना बढ़िया दिख रहा है। गाय इनकी चर रही है, देखो ये कुछ गाय वहाँ पे है, और ये देखो यहाँ खेल ले गदू का। हाँ, बहुत खूबसूरती है पहाड़ों में, यही तो बढ़िया है, खूबसूरती काफी बढ़िया है पहाड़ों में। पर यहाँ शाम को जाना भी खतरनाक है, क्योंकि बाघ इसी में छुपा रहता है जंगलों में। सुअर भी खतरनाक होता है ना सर, भी फाड़ देता आदमी को। हाँ, अगर मुंह पे आगे आ गया ना आदमी, हाँ फाड़ देगा ना, सुअर सुअर। तो अभी हम इस संकरे रास्ते से जा रहे हैं आगे, वो उधर जहाँ पे वो लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठा करी हुई दिख रही है ना। गुलगुल संभाल के रखना पैर, हाँ एक पैर किनारे को होगा तो सीधे नीचे खाई है। आराम से चलो, बोल रहे फिर भाग भाग के चल रहा है। हम आ गए इस पहाड़ पर। राम राम जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, ये आम का वृक्ष है, देखो आम, आम का वृक्ष गांव वालों ने कितने बढ़िया तरीके से बाड़ लगा रखे कि कोई गाय बछड़ी ना खा जाए ऐसे, और ये बड़ा हो जाए। और ये पीपल का पेड़, स्पर्श देखो, पीपल का पेड़, इसके पत्ते देखो, पूजा करते हैं इनकी। स्पर्श ये देखो, ये वट वृक्ष पीपल है, बरगद है, पीपल है ना। हाँ, ये देखो पीपल का पेड़। और यहाँ पे कितनी बढ़िया पहाड़ी है, ये पानी की टंकी में पानी वहाँ से जाता थे। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, और सनसेट भी हो रहा है, ये देखो देखो सनसेट हो रहा है। और वो पीछे टीले पे गए थे, इतने अच्छे पहाड़ है ना, मेरा मन तो है इतनी सारी फ़ोटो खिंचाने का कर रहा, पर ये लोग बाघ आएगा बोल के जा रहे हैं, इसलिए तो जाना पड़ रहा है। ये देखो वापसी होते हुए हमारी, सर मेरा पुराने घर है। अच्छा, ये वाला हरा वाला, हाँ ये, अरे वो उधर में सर नया लगा। अच्छा, तो ये हैं मोहब्बत के पत्ते, मोहब्बतें वाले पत्ते। सौरभ ये देखो मोहब्बतें वाले पत्ते, नाम लिखूँ उसमें तुम्हारा? एक लड़की थी दीवानी सी, वो वाला पत्ता है। ले गुलगुल, तो तेरे काम आएगा। राजू भैया की वहाँ पे बातचीत हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं वापस। ओम प्रकाश जी, वो मौसमी पक गई, वो हाँ कच्ची है ना। ऊपर का घर यहाँ से है, किसी दिन आएंगे, दिन में आएंगे। अच्छा वाला। अच्छा अच्छा, बिच्छू घास भी इस पर से, इधर बच के चल। ठीक है फिर, टाटा बाय 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 बाय। ये देखो राजू भैया मौसमी तोड़े, राजू भाई ने तोड़ी नहीं, मौसमी चोर ली राजू भाई ने, मौसमी चुरा। ये देखो ये तो अपना घर है, राजू भाई ने मौसमी चोरी कर ली। हाँ आएंगे एक दिन में आएंगे आपके पास, दिन में करेंगे एक दिन पार्टी, दिन में आएंगे बच्चों के साथ एक दिन पार्टी। इट में आती है मौसमी, पता नहीं कितने दिन तक आती हैं, फिर वो थोड़ा पुरानी हो जाती है, लेकिन इसमें खुशबू देखो सौरभ, नहीं वाह, मैं जाके घर जाके नमक लगा के खाएंगे इसे, पहाड़ी पीसी नूर लगा के। राजू भाई से छीन लेना, राजू भाई ने ले लिया। गंदी बात, ये फ्रेश मौसमी, अब देखो वो देखो इतना सामान लेके आ रहे हो, ये सूरजमुखी के फूल गुर्रा रहा था, वो आंखें देखी सीधे सीधे लाल, वो पूरा गंजा है, ओ हाँ बाल, इस वाले ने जेल नहीं लगाया बालों में। नमस्कार जी, ये देखो ये फुर्ती खरगोश, खरगोश कितनी फुर्ती से भागे। राजू भाई सारे मौसम में मेरी हिरासत में, दो लो और कहाँ है, चार थी और कहाँ है,
कोई नहीं है किनके पास, कोई नहीं। वो देखो फिर सामान रखेंगे सर पे, एक दो तीन, अभी लगा गए थे सामान, फिर से लेके जा रहे, देखो चलो बाय 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 बाय। यहाँ का गाड़ी स्टैंड रेड होगा पार, देखो बिना बिना घास घास तो है, मतलब चढ़ाने वाला। लौकी की सब्जी है वो, और मैं इसे कह रही कि खुद खा ले, अपने हाथ से नहीं खा रहा, कह रहा मुझे मन नहीं है अभी, मेरे को हालत वैसी हो रही है, और टीवी में कमांडो 3 देखने में हालत नहीं हो रही इसकी ख़राब। हमने कल आपको बोला था कि हम शाम को जाएंगे बाग देखने के लिए, पर राजू भैया को किसी शादी में जाना पड़ा है, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे शायद, इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो डिनर हमारा बन के रेडी है, सौरभ का फ़ोन आ रखा है, तो हम सौरभ का वेट कर रहे हैं इसलिए। और आज हम गए थे ओम प्रकाश जी के गांव रेड्डू, और वहाँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाया हमने, और वहाँ से हम लेके आए सिम्बा, नो सिम्बा खाने पे नहीं, वहाँ से हम लेके आए मौसमी, और अभी घर आके फिर खाना वाना सब बना दिया है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय 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 बाय।